अस्सलाम वालेकुम मुझे प्यार भारो तमाम ज्यादा सूरत हाल हैं वक्त सन में लुखाइंदड़ आए कल असन जो नौजवान बा के बेदर्दी से कत्ल कर वयो पर हियर ताई उनके कत्लन के गिरफ्तार ना है के वयो असी कल खान वटी मुतालबो करे रहा आयूं त फिलफोर बिलाल काका जा जके भी कातिल आहिन उनन के गिरफ्तार करे कानून जे कटेड़े में आंदो वने आज जेका सूरत हाल सोराब गोठ में नजर पे आई हुआ भी तमाम ज्यादा दुखाइंदड़ हुई तो कुछ गुंडा बरदार माण्हुनि जो ग्रोह जेको आहे त उन्हनि बसनि खे ऐं गाॾियुनि खे नुक़सान पहुचायो ऐं उते बीठल माण्हुनि खे यरमाल बणायो जंहिंमें औरतूं ऐं ॿारड़ा बि शामिल हुया। इहा तमामु ज़्यादा ॾुखाईंदड़ ॻाल्हि आहे। ऐं सम्झां थी त इन जे पुठियां सिंध हुकूमत जो किरदारु आहे त सिंध हुकूमत ख़ामोश ऐं तमाशाई थी रही ऐं जेकॾहिं लासानी बुनियादनि ते को छेड़ो थिए थो या लासानी बुनियादनि ते को बि तकरार थिए थो त उनजी साज़िश खे आउं सम्झां थी त सिंध हुकूमत उनजी ज़िमेदार आहे ऐं सिंध हुकूमत ई उनजी पुठिभराई करे थी। छाकाणि त हुकूमत जो कमु आहे रियासत जो कमु हूंदो आहे तमन अमान बहाल कराइण ऐं हर हिकु शहरी जो तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाइण, पर अॼु जेको थियो उन में कंहिं बि शहरी खे तहफ़ुज़ न मिलियो, बल्कि असीं ॾिठोसीं त रियासती इदारनि जी मुजुर्माना हिकिड़ी गफ़लत ऐं मुजुर्माना उन्हनि जी ख़ामोशी असांखे नज़र आई, जेका तमामु ज़्यादा ॾुखाईंदड़ आहे। ऐं मां मुतालबो करियां थी ख़ासि तौर ते सिंधी वकीलनि खे त जेको जजनि अॼु माण्हुनि जो नुक़सानु थियो आहे त हू फिलफोर थाणनि ते पहुचनि ऐं हू इन्हनि शयुनि जूं FIRूं दाख़िलु कराइनि त अॼु जेको नुक़सानु थियो आहे त उहे केस दाख़िलु कराइनि ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी मालिकी कनि। ऐं सिंधी भाइरनि खे आउं हिकिड़ी अपील थी करियां त जेको बि एहतजाज करियो उहो पुरअमन तरीक़े सां करियो, छाकाणि त पुरअमन एहतजाज करणु असांजो जमहूरी हक़ु आहे ऐं असां अमुन परस्त माण्हू आहियूं। ऐं मां हिकिड़ो पैगाम पठाण भाइरनि खे बि ॾियणु चाहींदमि त हमने हमेशा आप लोगों की इज़त की है और हमने हमेशा आपको इज़्ज़त के साथ सिंध में रहने दिया है, लेकिन इज़्ज़त का मतलब ये नहीं होता कि आप हमारे गिरबान से पकड़े। हम इज़्ज़त देते हैं तो उसके बदले में हमें भी इज़्ज़त चाहिए। हम समझते हैं कि अगर लासानी बुनियादों पे अगर कोई नुकसान होता है तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पठान भाइयों का ही होगा, क्योंकि पठान पहले ही महकूम मज़लूम कौम है जो KPK से तंग होकर KPK में रियासती जुल्म और जबर बर्दाश्त करके बाद में वो सिंध में आए हैं, और इसी तरह से सिंध भी हमेशा एक महकूम और मजलूम कौम के तौर पर रही है, उसने भी रियासती जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है। तो ये जंग हमारे मुफादात में नहीं है, हमें किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें अपने धरती पे अमन अमान कायम करना चाहिए। हम आपस में सब भाई हैं और इंशाल्लाह ताला अमन अमान ही कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।